हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी कॉलेज का या किसी भी स्कूल का अगर हमें पेमेंट करना हो, स्कूल फीस या कॉलेज फीस, अगर कॉलेज की तरफ से हमें कोई लिंक प्रोवाइड होता है, जैसे कोई व्हाट्सएप पर दे देते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि आजकल कोविड का चल रहा है ना, तो हर कोई जाकर फीस जमा नहीं कर पाता, तो कॉलेज वाले क्या करते हैं आजकल, लिंक भेज देते हैं कि आप इस लिंक पर जाकर अपने बच्चे का फीस जमा कर दीजिए। और लिंक अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग स्कूल का, लेकिन मेथड सबका सेम होता है। जैसे कि किसी का कॉलेज का दूसरा बैंक है, किसी कॉलेज का दूसरा बैंक है। मैं आपको बस एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप डिटेल फिल करके घर बैठे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको जैसा भी वीडियो हेल्पफुल लगेगा, आप जैसा ही बोलोगे, मैं वीडियो आपको बना के दूंगा किसी भी टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक मेरे कज़न का एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, उसका एक्चुअली फ़ीस जमा करना है, तो वो नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर जाके स्कूल में, तो उनको नहीं आता था कैसे करना है जमा, तो उनको उन्होंने मुझको एक लिंक शेयर किया है और मैं उनका फ़ीस जमा करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये व्हाट्सएप पर मुझको भेजा है, ये स्कूल का लिंक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्लिक करते हैं तो ये ब्राउज़र में ओपन हो रहा है, ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। आप किसी में कर सकते हो, मेरा क्राउन में है, तो देखो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें लिखा हुआ है, सेविंग अकाउंट के लोन व्हीकल, जैसे ये सब अप्लाई करने के लिए हैं, लेकिन इस समय कुछ नहीं लेने देना, हमें बस खाली ये देखना है। क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन फीस कलेक्शन फॉर पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे यहाँ चलाने में कुछ नहीं जाना है हमको, यहाँ पे जाना है, तो यहाँ टिक करते सिंपली। अब देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया है, कौन सा स्कूल है आपके बच्चे का। ठीक है, ये पूरा नाम आ गया है और उस स्कूल के बैंक का नाम आ गया है, इधर यूनियन फी लिखा हुआ है उधर, और हमें कहीं नहीं जाना, खाली इस पर टिक करना है, ये है ना, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए मैं के पेमेंट के यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है स्टूडेंट यूनिक आईडी, तो इसको आईडी मेरे पास है तो मैं इसको पेश कर देता हूँ। सॉरी, फिर से व्हाट्सएप में जाना पड़ेगा, मैंने आईडी वहाँ पे पेस्ट किया हुआ, मैंने नोट किया हुआ था, फिर से ये कर देता हूँ। क्या अभी किसका कॉपी हो गया, मुझे करना था इसका नेहा दास, कुछ और बच्चे हैं। ठीक है, ये दोस्तों मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया आईडी, इसका डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लेते हैं। आप भी अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और इसका आईडी सही से देख के करना। ठीक है, इसका 2/11/14 2/11/14। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इसका ये कर देता हूँ, 02/11/2014 ना, हाँ 2014, कहीं भी सिंगल टिक कर देते हैं, फिर कैप्चा फिर कर लेते हैं इसका, स्मॉल टी वी बड़ा क्यू बड़ा टी छोटा वी छोटा सॉरी 8, सिंपली लॉगिन करते हैं। अब अगर मेरा डिटेल सही हुआ तो ये आगे जाएगा। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मेरा सही फील है या नहीं है। 2/11/14, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ देखिए दोस्तों, लॉगिन पेज के बाद में ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा,
बच्चे का नाम लिखा रहेगा यहाँ पे, वेलकम, नया डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा, यूनिक कोड आ जाएगा, क्लास कौन सा ये भी आ जाएगा, और लोकेशन स्कूल का कहाँ पे है वो भी आ जाएगा। ठीक है, स्कूल नेम पासीघाट है लेकिन स्कूल नेम इसका दूसरा है, ये लोकेशन का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपली यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, पे एनीथिंग एनीवेयर यूज एनी बैंक क्रेडिट डेबिट कार्ड, तो आपको यहाँ पे करना है मेक पेमेंट पे। देखो दोस्तों, आपको लेट फीस कितना चार्ज है, कितना देना था, कब से कब तक का है, वो सब यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, आपको सिंपली आपको पूरा डिटेल चेक करना है अपना। ठीक है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको बस दो चीज़ मांगता है, एक मोबाइल नंबर मांगता है, मोबाइल नंबर मैं अपना दे देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बच्चे का पेरेंट्स का ही नाम होगा लिखना या बच्चे का होगा, किसी का भी इसमें डाल सकते हैं, अपना डाल सकते हैं, खुद जो पेमेंट कर रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद में आपको मेक ए पेमेंट। अब देखिए आपको सिंपली बता रहा है आपको कितना, सॉरी इसको गलती से रिप्रेस मत कर देना, मुझसे गलती होने वाला था। आपको इतना अमाउंट पे करना है, किस मेथड से करना है वो भी बता रहा है, किस चीज़ से करना चाहते हो आप। तो मैं फ़िलहाल तो UPI से करूँगा, आपका जो भी है आप कर लेना किससे करना चाहते हो। उसके बाद भीम यू पी आई आ गया, मैं पेमेंट कर लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए कॉन्वर्जेशन फीस, देख लीजिए टोटल अमाउंट इतना है, कोई फीस नहीं है, टोटल GST 0% है। तो मैं भी पेमेंट कर देता हूँ इसको। उसके बाद देखिए सर दोस्तों, अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली आप अपना UPI ID डाल दीजिए। मैं तो फिलहाल अपना UPI ID डाल रहा हूँ, मेरा UPI ID क्या था, CXZG5, मे बी गलत भी हो सकता है, बहुत दिन हो गए यूज़ किया वो आई डी को, ID मेरा VY लगता है, क्या होता है, कोई नहीं, सॉरी ये क्या हो गया, ओके सही बोल रहा है ना, हाँ देखो दोस्तों ये मेरा PAID ले लिया है UPI ID, और उसके बाद कंप्लीट प्योर पेमेंट इतने मिनट में, आपको 5 मिनट का टाइम देता है, तब तक आप इसको पूरा पेमेंट क्लियर कर दीजिए। ठीक है, इस पेज को क्लोज मत करना, सिंपली ऊपर स्क्रीन अपना मूव करना, रिफ्रेश ना हो जाए गलती से भी। हाँ इधर देखो रिक्वेस्ट आया होगा, जो भी आपका एप्लीकेशन का फ़ोन पे या गूगल पे का कोई भी आपने UPI दिया है ना, यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली इसको ओपन कीजिए, अपना जो भी पासवर्ड वगैरह डालना है डालिए, उसके बाद सिंपली पे नाउ कर देना इसको। ठीक है, पे अपना बैंक सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे अपना सीक्रेट पिन डालिए कुछ से, और ये हो गया पेमेंट सक्सेसफुली। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपली इसका ये बंद कर देना, फिर से वापस गूगल आप क्राउन में आ जाना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर में अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा ये। अच्छा भाई, हाँ हो गया। देखो दोस्तों ये पेमेंट हो चुका सक्सेसफुली, ट्रांजैक्शन आपको दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया, इधर भी ये बोल रहा है तो क्लोज कर दो, या फिर आप होम में चले जाओ, या फिर आप प्रिंट कर लो। प्रिंट करना दोस्तों अच्छा रहता है, प्रूफ हो जाता है एक तरह का, और ख़ुद को सॉरी इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं डायरेक्टली। ये देखो दोस्तों मेरा ये पूरा स्कूल का नाम भी है, इसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है। तो
ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, बस थोड़ा सा होता है। एक बार आपको थोड़ा गाइड मिल गया तो आप कर सकते हो आराम से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मैं टेक से रिलेटेड, टेक्निकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। किसी भी नई वीडियो के लिए आप ज़रूर मुझको कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में किसी तरह की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी कर देना यार। थैंक यू सो मच।